ये बच्चों सुप्रभात। पिछले क्लास में शीर्षक महायज्ञ का पुरस्कार पाठ के अंतर्गत पाठ की जो मौलिक बात थी उसे अवगत कराया गया। पुनः पाठ को नियमित करते हुए पाठ के जो मूलभूत मौलिक बात है उसे हम जानेंगे, उसे नियमित किया जा रहा है। आज हम उस महायज्ञ के पुरस्कार के अंतर्गत यह देखेंगे कि किस प्रकार से हमें उसका परिणाम प्राप्त होता है। पिछले क्लास में हम लोगों ने मौलिक कुछ बात थी जिसे आपको अवगत कराया था। उसमें सबसे बड़ी बात यह कि सब समय एक समान नहीं होता, सुख दुख आते जाते रहते हैं और मनुष्य को इसी के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करना चाहिए। वास्तव में दरिद्रता गरीबी सबसे बड़ी बीमारी है। इस बीमारी से मुक्त होना सरल और आसान कार्य नहीं है। जो व्यक्ति यशस्वी थे, जो व्यक्ति यज्ञ किया करते थे, आज उनकी स्थिति बड़ी सामान्य नहीं है। आज वे विषम परिस्थिति में है। उस विषम परिस्थिति से निजात पाने का जो मानवीय कर्तव्य है उसे वे पूरा करने का प्रयास करते हैं और देखते हैं कि वे इस कार्य में कितना सफल होते हैं। तो हम लोग पहले वाचन कार्य करेंगे। दूर की मंजिल थी सो सेठानी जैसे तैसे पड़ोसी से थोड़ा सा आटा मांग लाई और रास्ते के लिए चार मोटी मोटी रोटियां बना पोटली में बांध कर सेठ को दे दी। सेठ बड़े तड़के उठे और कुंदनपुर की ओर चल दिए। गर्मी के दिन थे, सेठ ने सोचा कि सूरज निकले जब तक जितना रास्ता पार करो उतना ही अच्छा है। यह सोचकर वे खूब तेज चले, लेकिन आधा रास्ता पार करते करते धूप में इतनी तेजी आ गई कि चलने में कष्ट होने लगा। पसीने से उनकी सारी देह लथपथ हो गई और भूख भी सताने लगी। दैवता की हालत ऐसी कि घर में चार रोटी के लिए आटे तक भी नहीं थे। उनकी जो पत्नी थी वे उन्हें कुछ देना चाहती थी, इसलिए आस पड़ोस के लोगों से वह थोड़ा आटा मांग करके ले आई और उस आटे से चार मोटी मोटी रोटियां बनाकर एक पोटली में बांध कर करके उन्हें दे दिया ताकि रास्ता में इस सुधा को तृप्त कर सके। और इस प्रकार से बड़े तड़के सुबह गर्मी के दिनों में अधिक उष्णता होने के कारण हम चाहते हैं कि थोड़ा जितना सुबह हो सके हम कहीं कोई काम कर लें या चलने के लिए रास्ता को तय कर लें। उसने भी ऐसा ही किया। सेठ बड़े तड़के उठे और कुंदनपुर जहां पर धरा सेठ के यहां उन्हें जाना था वहां की रास्ता लिया। गर्मी के दिन थे, सेठ ने सोचा कि सूरज निकलने से पहले दूरी कुछ तय कर ली जाए और यही सोच करके वे बड़ी जल्दी जल्दी आगे बढ़ने लगे। वे खूब तेज भी चले, रास्ता
सिर्फ आधा ही पार कर पाए थे कि उन्हें धूप और भूख दोनों सताने लगे। पसीने से बेचारे लथपथ हो गए। गर्मी के दिनों की उष्णता हमें बर्दाश्त नहीं होती, हम काफी व्यथित और परेशान हो जाते हैं, इसलिए उन्हें भी इस विषम परिस्थिति से जूझना पड़ा। उन्हें पसीने से लथपथ होना पड़ा, उन्हें प्यास सताने लगी, भूख भी सताने लगा, और इस प्रकार से उन्होंने यह निर्णय किया कि सामने वृक्षों का एक कुंज और कुआं देखकर सेठ ने विचार किया कि यहाँ थोड़ी देर रुककर भोजन और विश्राम कर लेना चाहिए। यह सोच में कुछ उस कुंज की ओर बढ़े, पोटली से लोटा डोर निकालकर पानी खींचा, हाथ पैर धोए, उसके बाद एक लोटा पानी ले एक पेड़ के नीचे आ बैठे और खाने के लिए रोटी निकालकर तोड़ने ही वाले थे कि क्या देखते हैं, निकट ही एक हाथ भर की दूरी पर एक कुत्ता बड़ा बड़ा छटपटा रहा है। बेचारे का पेट कमर से लगा था, पेट को सेठ को रोटी खोलते देख वह बार बार गर्दन उठाता, पर दुर्बलता के कारण उसकी गर्दन गिर जाती थी। स्वाभाविक रूप से यह भी एक विशिष्ट संयोग की घटना है। शायद महामानव बनने का, यशस्वी व्यक्ति बनने का, आदर्श योग्य व्यक्ति बनने का यह एक परीक्षा है। इस परीक्षा में यदि उत्तीर्णता मिल गई तो इनकी यश और कीर्ति में और बढ़ोतरी हो जाएगी। रास्ते चलने के क्रम में उन्होंने देखा कि एक कुंज है, बगीचा है, बागवानी है, जहां पर पेड़ों की छाया है और उस पेड़ों की छाया में कुआं भी है। उन्होंने विचार किया कि क्यों ना यहाँ पर जो रोटी के लिए रोटी हमें हमारे पास है उसे कुछ क्षुधा को तृप्त कर लिया जाए, शांत कर लिया जाए। वे थोड़ी देर रुककर भोजन करना और विश्राम करने के उद्देश्य से उस कुंज की ओर बढ़े और जो गट्ठर थी, पोटली थी, उसमें उनके पास लोटा और डोर भी था। वे कुआं से पानी खींचे, हाथ पैर को धोया, एक लोटा पानी लेकर के पेड़ के नीचे भोजन करने के उद्देश्य से वे बैठ जाते हैं। जब वे बैठ करके के भोजन करने ही वाले थे कि करीब हाथ भाई की दूरी पर वे देखते हैं कि कुत्ता बड़ा छटपटा रहा है, बेचारे का पेट कमर से लगा था, अर्थात पेट और पिट दोनों मिलकर के एक हो गए। स्वाभाविक रूप से वह काफी भूखा था, स्थिति ऐसी थी कि वह गर्दन को उठाने में भी सक्षम नहीं था, वह कहीं चल नहीं पाता, कुछ खा नहीं पाता। वह गर्दन उठाता रोटी को देख करके अपेक्षा करता कि काश मुझे कुछ रोटी मिल जाती, और पुनः ऐसी दुर्बलता थी उसके उठे हुए गर्दन पुनः गिर जाते। बार बार इस प्रकार का क्रम होता देख सेठ समझ गए कि वास्तव में कुत्ता भूख से तड़प रहा है, इसे कुछ न कुछ तो देना और करना ही पड़ेगा। क्योंकि सेठ हम लोगों ने पीछे पढ़ा है कि बड़े विनम्र थे, दयालु थे, उपकारी थे, त्यागी थे। मानवीय जो मूल है दया का, करुणा का, प्रेम का, स्नेह का, उनमें कूट कूट करके भरा हुआ था। और ऐसे ही लोगों की परीक्षा समय समय पर ली जाती है, इसलिए वे उसे जगह परीक्षा देने के लिए अब तत्पर हो गए। तब क्या होता है, यह देख सिर का हृदय दया से भर आया। बेचारे को कई दिन से खाना मिला दिखता है, बेचारे को कई दिन से खाना नहीं मिला दिखता है, तभी तो यह हालत हो गई है। सेठ ने एक रोटी उठाई और टुकड़े टुकड़े कर कुत्ते के सामने डाल दी। कुत्ता भूखा तो था ही, धीरे धीरे सारी रोटी खा गया
अब उसके शरीर में थोड़ी जान आती दिखाई दी, वह मुंह उठाकर सेठ को देखने लगा, उसकी आंखों में कृतज्ञता थी। सेठ ने सोचा कि एक रोटी इसे और खिला दूं, फिर यह चलने फिरने युक्त हो जाएगा, क्योंकि बहुत दिनों से उसे खाना नहीं मिली हुई थी, उसकी हालत अत्यंत दयनीय थी, शारीरिक रूप से वह बिल्कुल गिरा हुआ था। उसने एक रोटी उठाई, उसके टुकड़े किए और कुत्ते को खिला दिए। रोटी खाने के पश्चात उसमें थोड़ी जान आ गई, वह मुंह उठा कर करके सेठ के द्वारा किए गए कृतज्ञ कार्य के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने के लिए वह तत्पर हो गया। स्वाभाविक रूप से उसकी आंखों में जो भाव थे कृतज्ञता के, उसे देखकर सेठ भी आत्मविभोर हो गए। उन्होंने सोचा कि एक रोटी से काम नहीं चलेगा, एक रोटी और इसे खिला दिया जाए तो यह चलने फिरने योग्य हो जाएगा और यह सही जगह पर जाकर के अपना जीवन यापन कर पाएगा। यह सोच करके दूसरी रोटी भी उसने उसे खिला दी। तो आज इतना ही हम लोग पाठ को निर्मित करेंगे और अगले क्लास में पुनः इसको निर्मित किया जाएगा। धन्यवाद।